students, we have completed the biomolecules. Hello students, we have completed the biomolecules and different types of biomolecules, that's carbohydrates, lipids and proteins. Now we have to study the next biomolecules, that is the nucleic acids. Okay, now nucleic acids, we all know that nucleic acids means the DNA and RNA which we found in the cells as a biomolecules. Okay, now Swiss biochemist Friedrich Mischer 1869 discovered and isolated nucleic acid from the first cell. By 1938 it became evident that nucleic acids are two types, that is the deoxyribose nucleic acid, that is the DNA, and ribose nucleic acid, that is the RNA. Now DNA is found in chloroplast and mitochondria. Now DNA is a hereditary material in most of the organisms. The nucleic acids are among the largest of all molecules found in living beings. Okay, now ye jo nucleic acids hote hai, that is the DNA and RNA, ye kaun se hai, largest molecules hai jo living beings mein found karte hai. Now they contain three types of molecules, that is the five carbon sugar, then next it is the phosphoric acid, and third that is the nitrogen containing bases. Now three join together to form nucleotide of the nucleic acid. Okay, now agar DNA mein ya fir nucleic acid mein hum kya kahenge ki kya hote hain, तीन जो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज द फाइव कार्बन शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, जैसे थ्री मॉलिक्यूल्स टाइप्स के मॉलिक्यूल है, दैट इज द फाइव कार्बन शुगर होती है उसमें, देन फॉस्फोरिक एसिड रहता है, देन नाइट्रोजिनस कंटेनिंग बेसिस रहते हैं. ओके, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है, that is in the Flügel 1924 chromosomes containing DNA. okay, Flügel ने क्या बताया 1924 में कि जो chromosomes होते हैं cell में उसमें क्या रहता है, DNA रहता है. okay, now his explanation was nucleic acids contain two pyrimidine, जैसे that is the pyrimidine, that is the cytosine and thymine, and two purine, that is the adenine and guanine bases. okay, तो दो पायरिमिडिन होते हैं डीएनए में, दैट इज द साइटोसिन एंड थायमिन, एंड टू प्यूरिन, दैट इज द एडेनिन एंड ग्वानिन. ओके, अब विल्किंसन एंड कोवर्कर्स ने प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेसिस आर प्लेस्ड रेगुलरली अलोंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स एट द डिस्टेंस ऑफ 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो विल्किंसन और कोवर्कर्स ने क्या बताया कि ये जो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन जो बेसिस होते हैं वो कैसे रहते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में, कौन से डिस्टेंस पर रहते हैं, दैट इज द 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट के रेगुलरली वो रहते हैं, मतलब प्यूरिन के बाद पायरिमिडिन, पायरिमिडिन के बाद प्यूरिन, तो उनका जो डिस्टेंस रहता है वो कितना होता है, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग रहता है. ओके, देन नेक्स्ट दैट इज द कंपोजिशन ऑफ डीएनए. डीएनए का कंपोजिशन कैसा है, नाउ डीएनए का कंपोजिशन कैसा है, तो शुगर मॉलिक्यूल किससे बना है, शुगर मॉलिक्यूल से बना है, दैट इज द कौन सी है, दैट इज द डीऑक्सीराइबोज और पेंटोज, मतलब फाइव कार्बन, पेंटोज मतलब फाइव कार्बन एटम है उसमें, और डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीराइबोज उसमें कम है. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ डीऑक्सीराइबोज. दो शुगर मॉलिक्यूल कैसी है, डीऑक्सीराइबोज है और पेंटोज है, प्लस उसमें क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, उसमें क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, देन फॉस्फेट्स है उसमें, देन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है. ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है, दैट इज द पायरिमिडिन बेस एंड द प्यूरिन बेस. ओके, तो नाइट्रोजिनस बेसिस कंटेन कौन से है, पायरिमिडिन बेस है या फिर प्यूरिन बेसिस है. नाउ ये जो पायरिमिडिन है ये कैसा है, सिंगल रिंग मोनोसाइक्लिक है. ओके, जो पायरिमिडिन जो बेस रहता है वो कैसा रहता है, सिंगल रिंग मतलब कि मोनोसाइक्लिक है, और साइटोसिन है उसमें, दैट इज द कौन से है बेसिस, दैट इज द साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल इन आरएनए. ये जो यूरेसिल है ये सिर्फ हमें आरएनए में ही मिलेगा, और साइटोसिन और थायमिन किस में मिलेगा, डीएनए में मिलेगा. ओके, देन प्यूरिन बेस कौन सा कैसा है, डबल रिंग है. ओके,
उसमें क्या दिखती है हमें, डबल रिंग है जो कि डायसाइक्लिक है, देन एडेनिन एंड ग्वानिन है. ओके तो प्यूरिन बेसिस कौन से हैं, एडेनिन है और ग्वानिन है. ये दोनों भी हमें डीएनए और आरएनए में दोनों में भी एडेनिन और ग्वानिन देखने को मिलते हैं. ओके देन अर्विन चार्गो ऑफ 1950 में एस्टिमेटेड द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ एडेनिन थायमिन साइटोसिन एंड ग्वानिन इन डीएनए कंक्लूडेड दैट द पायरिमिडिन एंड प्यूरिन ऑलवेज ऑकर इन इक्वल अमाउंट. जो अरविन शारवाफ ने 1950 में क्या बताया कि जो अमाउंट रहता है एडेनिन थायमिन साइटोसिन और ग्वानिन का डीएनए में वो कैसे रहता है, हमेशा इक्वल अमाउंट में ही रहता है. मतलब जितने पायरिमिडिन बेसिस रहेंगे डीएनए में उतने ही प्यूरिन के बेसिस रहेंगे. मतलब कि उनका जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, इक्वल. मतलब पायरिमिडिन के जो बेसिस है दैट इज द साइटोसिन एंड थायमिन, और प्यूरिन जो बेसिस है दैट इज द एडेनिन एंड ग्वानिन. ये जो है इनका जो अमाउंट है वो कैसा रहेगा, इक्वल ही रहेगा. ओके कोई एक पायरिमिडिन ज़्यादा या एक प्यूरिन कम ऐसा कुछ नहीं रहेगा. तो जो इक्वल अमाउंट उसका रहेगा, देन उसका जो बेस रेशो रहता है, ओके द बेस रेशो दैट इज द एटी ए प्लस टी दैट इज द एडनिन प्लस थायमिन. ओके देन जी प्लस सी. अब ये जो पेयरिंग होती है कैसे होती है, एडनिन क्या है ये प्यूरिन है और थायमिन क्या है पायरिमिडिन है. तो बेस रेशो कैसे रहता है, एडनिन प्लस थायमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन. ग्वानिन क्या है प्यूरिन है और थायमिन क्या है पायरिमिडिन है. तो एडेनिन हमेशा किससे पेयर करता है, थायमिन से करता है, और ग्वानिन किससे पेयर करता है, साइटोसिन से. तो उनकी जो पेयर है तो वो हमेशा उसको क्या कहते हैं, बेस रेशो कहते हैं. नाउ मे वेरी इन डीएनए ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. मतलब एनिमल्स और प्लांट्स में उनका जो रेशो रहता है दैट इज द एडेनिन और थायमिन का और ग्वानिन और साइटोसिन का वो डिफरेंट रहता है हर एनिमल्स में और प्लांट्स में. ओके पर जो रेशो रहता है ए प्लस एडनिन प्लस थायमिन ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशो रहता है कांस्टेंट रहता है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज. तो एक स्पीसीज में उनका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा. अगर एक स्पीसीज में उनका जो रेशो है वो कॉन्टर रहेगा, अगर दूसरे ग्रुप रहेगा तो उसमें जो रेशो है वो बदल जाएगा, वो डिफरेंट रहेगा. पर एक स्पीसीज में जो रेशो है एडेनिन प्लस थायमिन एंड ग्वानिन प्लस साइटोसिन का वो क्या है, वो सेम ही रहेगा. ओके देन नेक्स्ट इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है. ओके अब ये जो स्ट्रक्चर है, नाउ डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. ओके तो स्ट्रक्चर कैसा है डीएनए का, कि डीएनए क्या है, एक वेरी लॉन्ग चेन है मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. अल्टरनेट में दिखेगा हमें एक क्या दिखेगी, शुगर दिखेगी, और दूसरे इसमें क्या दिखेगा, फॉस्फेट ग्रुप दिखेगा. नेक्स्ट इसमें क्या दिखेगा, फिर शुगर दिखेगी, फिर फॉस्फेट ग्रुप दिखेगा. तो इसमें अल्टरनेट लॉन्ग चेन मेडअप है. देन डी ऑक्सी शुगर ज्वाइन टू द फॉस्फेट. ओके जो डी ऑक्सी शुगर है वो फॉस्फेट से ज्वाइन की गई है टू मेक द लॉन्ग चेन परफेक्टली रेगुलर. तो परफेक्टली रेगुलर होने के लिए मतलब उसमें कोई डिफरेंस आने नहीं चाहिए, इसलिए जो डी ऑक्सी शुगर है वो फॉस्फेट ग्रुप से क्या है, ज्वाइन की गई है. देन द सेम फॉस्फेट शुगर सिक्वेंस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन. तो ये जो सेम फॉस्फेट शुगर है उसका जो सिक्वेंस है वो रिपीट हुआ है ओवर एंड ओवर अगेन में रिपीट हो गया है. ओके मतलब वही जो फॉस्फेट शुगर का सिक्वेंस है हमें बार बार वही हमें देखने को मिलता है. नाउ ईच शुगर ऑफ शुगर फॉस्फेट चेन हैज अ बेस. ओके अब शुगर फॉस्फेट के साथ क्या रहती है, एक बेस रहता है अटैच होता है उसके साथ में, फॉर्म्स थ्री मॉलिक्यूल्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड. ओके तो उसमें क्या दिखता है हमें कि ये जो बेस है, ये जो फॉस्फेट शुगर है उसके साथ एक बेस अटैच रहता है और उससे क्या बनता है, थ्री मॉलिक्यूल्स का शुगर का ये बनता है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड बनता है. अब न्यूक्लियोटाइड कैसे किससे बना है, दैट इज द शुगर फॉस्फेट एंड बेस. ओके टुगेदर फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड बना है किससे, शुगर से बना है, फॉस्फेट से बना है, और बेस, बेस कौन से है, दैट इज द पायरिमिडिन और प्यूरिन. ओके इनसे क्या बनते हैं, बेस बनते हैं. तो
न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? शुगर से बना है, फॉस्फेट से बना है एंड अ बेस से बना है, दैट इज द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेस से बना है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें क्या है, नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या अटैच है कि नाइट्रोजनस बेस जो फर्स्ट कार्बन रहता है शुगर का, जो फर्स्ट कार्बन है ओके, शुगर की जो रिंग होती है उसमें का जो फर्स्ट कार्बन है उससे क्या अटैच रहता है, नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है किससे, कौन से बॉन्ड से, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में देखा है, दैट इज द फैटी एसिड्स में, लिपिड्स में हमने देखा है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा रहता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड में हमें क्या दिखता है कि ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये किससे अटैच है, जो फर्स्ट कार्बन है शुगर मॉलिक्यूल का, शुगर मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट कार्बन है उससे ये नाइट्रोजिनस बेस क्या रहता है, अटैच रहता है बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, देन न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो ये तो रहा न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे हम, द न्यूक्लियोसाइड इट इज द नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। ओके, जो न्यूट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस है और शुगर है इनसे मिलके क्या है, क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। ओके, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड में हमें क्या नहीं दिखता, इट डज नॉट हैव फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो नहीं रहता है न्यूक्लियोसाइड में, मतलब नाइट्रोजिनस बेस एंड शुगर से मिलके क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड बना। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, तो न्यूक्लियोसाइड बना है नाइट्रोजिनस बेस और शुगर से क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड बना है। अब न्यूक्लियोसाइड में हमें क्या दिखेगा, फॉस्फेट ग्रुप नहीं दिखेगा। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, नाइट्रोजिनस बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से क्या बना है, न्यूक्लियोटाइड बना है। और न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर से ही न्यूक्लियोसाइड बना है। ओके, अब जो न्यूक्लियोसाइड है ये कितने प्रकार के हैं, फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर फाउंड इन डीएनए मॉलिक्यूल्स। वो चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स हमें डीएनए मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं। ओके, अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ओके, अब ये जो नाइट्रोजिनस इन अ न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेस इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन C5 एटम ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। अब ये न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो क्या होता है कि नाइट्रोजनस जो बेस है वो अटैच किससे रहता है, जैसे पहले मैंने बताया फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच रहता है, एंड देन जो फॉस्फेट ग्रुप है, ओके, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कौन से एटम से अटैच रहता है, दैट इज द फिफ्थ कार्बन एटम से, शुगर मॉलिक्यूल के फिफ्थ कार्बन एटम से ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है और उससे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनता है। अगले ध्यान में, तो इसमें क्या रहता है न्यूक्लियोटाइड में कि जो नाइट्रोजिनस बेस है वो अटैच किससे है, फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है ऑफ द शुगर। ओके, देन जो फॉस्फेट ग्रुप है वो किससे अटैच है, जो फिफ्थ कार्बन एटम है शुगर मॉलिक्यूल का उससे अटैच है, और ये सभी मिलके दैट इज द शुगर फॉस्फेट एंड बेस मिलके क्या तैयार हो गया है, एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, नाउ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वन अबोव द अदर फॉर्म अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये जो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसे कितने न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं वन अबोव द अदर, एक के ऊपर एक ऐसे रहते हैं ये न्यूक्लियोटाइड, और उससे क्या तैयार होता है, एक सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए, एक सिंगल स्टैंड जो है डीएनए का वो तैयार होता है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड देयर आर टू टाइप्स, दैट इज द डीएनए एंड आरएनए। देन कंपोजिशन ऑफ डीएनए हमने देखा कि किससे, दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल है, जो क्या है, डीऑक्सीराइबोज है, पेंटोज है, देन फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज द फॉस्फेट्स है, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है, दैट इज द पायरिमिडिन बेस होगा या फिर प्यूरिन बेसिस होगा। ओके, अब ये जो कंपोजिशन ऑफ डीएनए है उसमें हमने देखा कि बेस जो रेशियो है, दैट इज द एडेनिन प्लस थायमिन एंड गुआनिन प्लस साइटोसिन, ये डिफरेंट रहता है अलग अलग एनिमल्स में एंड प्लांट्स में, पर एक स्पीसीज में हमें जो ये जो रेशियो है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, देन न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। ओके, नाउ दिस देन हमें नेक्स्ट इसमें देखना है कि
जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमें और डिटेल में हमें देखना है, दैट इज द न्यूक्लियो, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड का, दैट इज द डीएनए का. ओके, थैंक यू.